नमस्कार, FAQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। अभी लगातार कुछ बच्चों के इंक्वायरी आ रहे हैं ASI से रिलेटेड, क्योंकि फॉर्म फिलअप शुरू हो गया है। तो उसमें बच्चों का सबसे ज़्यादा इंक्वायरी है दो टाइप का। एक तो आपका कि ओ लेवल के समकक्ष कौन कौन सी डिग्रियाँ हैं, दूसरा है कि प्रेफरेंस हम कौन कौन सा भरे फॉर्म में, कैसे कैसे भरे। तो पहले के लिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ कि आपका जो पहला क्वेश्चन है, ये FAQ सीरीज़ आप ही लोगों के लिए है। प्रश्न आपके रहेंगे, जवाब हमारा रहेगा, ठीक है। तो इसमें आप लोग जैसे क्वेश्चन पूछे थे, मैं कुछ स्लाइड दिखा रहा हूँ सभी बच्चों के लिए। बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आए थे कि क्या क्या है। जैसे अभी 2 घंटा पहले एक कमेंट आया है अभिषेक गौर जी का, वो पूछ रहे हैं, सर प्लीज़ समझ नहीं आ रहा है, मैंने सर BTech मैकेनिकल से किया है और एक सेमेस्टर में कंप्यूटर में C++ था, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? ऐसा इनका कुछ क्वेरी है। सिर्फ एक सेमेस्टर में इन्होंने पढ़ा है C++। तो अगर इसमें जो देखा जाए, जो आपके ओ लेवल के समकक्ष आयोग ने आपको दिया गया है, उसमें सिर्फ ये बोला गया है कि आप अगर लगातार एक साल आपका कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट रहता है, क्या एक साल कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट, क्योंकि देखो कहीं कहीं BTech वाले, चाहे मैकेनिकल हो चाहे कोई ब्रांच हो, आप कभी कभी एक साल लगातार पढ़ लेते हो, अगर सेमेस्टर में ब्रेक है तो मुश्किल है, क्योंकि जैसा आपका लिखा गया है, ठीक है। और वहाँ पे साफ साफ ये भी दिया है कि जो डिप्लोमा वाले हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं, IT से हैं, ठीक है, चाहे CS के डिप्लोमा वाले हैं, वही सिर्फ फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं, वो ओ लेवल के समकक्ष माने जाएंगे। तो अगर डिप्लोमा वाले के लिए बताया गया है, तो जाहिर सी बात सेम डिग्री आपके जो अगर ग्रेजुएशन में है, चाहे BTech में है, BTech CS हुआ, IT हुआ, EC हुआ, चाहे EC के समकक्ष जितनी भी आपकी डिग्रियां होती हैं BTech में, वो जो लोग एक साल तक आपके कंप्यूटर पढ़ते हैं, वो आपके क्या होंगे, ओ लेवल के समकक्ष होंगे। और कुछ क्वेश्चन है देख लो, सर BTech इन EC एलिजिबल हैं क्लर्क के लिए? एकदम एलिजिबल हैं आप, ओ लेवल के आप समकक्ष हैं, ठीक है। तो ओ लेवल के समकक्ष हैं आप, EC से किए हुए हैं BTech, क्योंकि आप डिप्लोमा से ऊपर हैं। और यहाँ पे साफ साफ बोला गया कि अगर एक साल आपने कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है अपने किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री में, तो वो आपके ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। MSc में लास्ट सेमेस्टर में कंप्यूटेशन मेथड एंड प्रोग्रामिंग था, पूरे साल इनके था, लास्ट ईयर में था शायद, लास्ट सेमेस्टर में, अगर लास्ट ईयर में एक साल आपने पढ़ा है तो आप एलिजिबल हैं। तो शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में आप लोग समझ लो, सर क्या DCA जो है UGC से अप्रूव्ड है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? साफ साफ लिखा है, आप ADCA किए हो, DCA किए हो, जो भी आप कोर्स किए हो, बस एक साल का मिनिमम का एक साल का होना चाहिए, उससे कोई कोर्स कम है तो वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। एक बच्चे का और इंक्वायरी आया था कि सर मैं CCC किया हुआ हूँ, CCC है मेरे पास, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? CCC वाले एलिजिबल नहीं है, ध्यान रखो, CCC कान खोल के सुन लो कि आप लोग एलिजिबल नहीं हो CCC के लिए। एक साल आपके पास क्या होना चाहिए, एक साल का कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होना चाहिए, एक साल से कम नहीं, 1 ईयर का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, तभी आप ओ लेवल के इक्वेलेंट माने जाओगे, ओ लेवल के इक्वेलेंट माने जाओगे। यहाँ कुछ बच्चों का PGDCA से इंक्वायरी है, ज़्यादा क्वेरी है, क्योंकि PGDCA में एक लाइन उसने अपने जो आपका ओ लेवल के इक्विवेलेंट जो आयोग ने जो दिया था, उसमें बोला गया था कि PCM वाले जो PCM के साथ PGDCA किए हैं, वही आपके ओ लेवल के समकक्ष होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक जनरल सा क्वेश्चन और आंसर फेस चल रहा था आयोग से, तो उसने बताया था जब ADCA और जितने भी डिप्लोमा प्राइवेट से हो, बस मान्यता प्राप्त संस्था होना चाहिए गवर्नमेंट से, चाहे वो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, चाहे राज्य सरकार से हो, चाहे UGC, AICT, चाहे NELET से, किसी संस्था से आपका मान्यता प्राप्त हो, एक साल का कोर्स है तो आप भर सकते हो। और ये एक बात ध्यान रखो कि आपको फॉर्म तो भरना ही भरना है, अगर कोई कंप्यूटर कोर्स किए हो एक साल का, ये ना सोचो कि हम जा पाएंगे कि नहीं फॉर्म फिल करें, क्वेश्चन आंसर में समय ना व्यस्त करो सबसे बड़ी बात, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरते हो तब आप उसके लिए एप्लीकेबल होगे, अगर आप फॉर्म भरोगे ही नहीं तो एप्लीकेबल नहीं होगे। जैसे जो पिछला पेपर हुआ था SI में, तो जितने लोग याची थे उनको क्या कर दिया कि भैया ठीक है आप लोग एलिजिबल हो, चाहे वो BCA वाले, चाहे PGDCA वाले थे, ठीक है सब लोग एलिजिबल हो गए, लेकिन वो याची सिर्फ थे, जिन्होंने क्या किया था, केस दायर किया था, लेकिन आप लोग फॉर्म ही नहीं भरोगे, लास्ट तक जाओगे नहीं, अगर कुछ ऐसा होता है तो आप भी केस करो, हो सकता है आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर इतने डिग्रियों को बोल दिया है कि आप समकक्ष हो, तो इतना ध्यान रखो, अगर एक साल का शॉर्ट में मैं पूरा नहीं पढ़ के आपको समझाऊंगा,
आप लोग नोटिफिकेशन देखे होंगे, पढ़ लेना। 1 साल का कोर्स अगर आपने किया है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप ओ लेवल के समकक्ष हो, चाहे कहीं भी। अगर आपने ग्रेजुएशन में 1 साल तक कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, या कोई डिप्लोमा लिया है, चाहे कोई डिग्री लिया है 1 साल का, तो वो आपका ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा, ठीक है। और लास्ट में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यदि आपको कुछ लगता है ऐसा कि नहीं मेरी डिग्री और भी कोई ओ लेवल के समकक्ष हो सकती, मैंने ये पढ़ा है, तो आपको यहाँ बोला गया है कि आप संपर्क एट द रेट UPPPPB.gov.in पर जीमेल कर सकते हैं आप उस डिग्री को। तो वहां से जो आयोग वाले हैं वो उस डिग्री को देखेंगे, उसके बाद से उस पर कुछ निर्णय आपका बोर्ड लेगा। तो इसीलिए जो भी 1 साल का कोर्स किया है, ये मत हिचकिचाए कि मैं भरूं या ना भरूं। आप लोग सब फॉर्म भरो, जब आपका एग्जाम होगा, जब आप सेकेंड फेज में पहुंचोगे, तो वहां पे बोर्ड आपको जरूर मौका देगा, ठीक है। पहले ही ना बाहर होने की कोशिश करो।